स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वर्क एंड टाइम। तो चलते हैं वर्क एंड टाइम क्वेश्चन में देखेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो अधिकतर एग्जाम पूछे आते हैं और जो ट्रिकी होते हैं और जो थोड़े टिपिकल टाइप होते हैं, समझने में दिक्कत आती है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पढ़ लेते क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट की समस्या है, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे दोस्तों। केवल हमें क्वेश्चन को बीट करना है, ना कि वीडियो की क्वालिटी देखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। ए और बी एक काम को 36 दिनों करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन सिंपल लेंगे, पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। कंसेप्ट है क्या इसका दोस्तों को, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी से होंगे, ठीक है। और एक तरीका हमारा एलसीएम मेथड, उससे भी होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। डब्लू और क्षमता मतलब इफिशेंसी, ई और समय टाइम। या दोस्तों, डब्लू बराबर ई इंटू टी। तो आइए इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 36 दिन में कर रहे हैं। आगे बी प्लस सी 60 दिन में। ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों, हमें काम निकालना है। और काम क्या निकालेंगे? इन सभी का एलसीएम, हमारा कुल काम होगा। तो आइए इन सभी का एलसीएम लेंगे, देखते हैं इन सभी का एलसीएम क्या होगा। और एलसीएम लेने का तरीका हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा इसमें से? 60। तो 60 को उठा लेंगे दोस्तों, 60। अब 60 क्या 36 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 120 कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब 60 का टेबल पढ़ेंगे। 120 36 से डिवाइड नहीं होगा। अब भी कितना कर लेते हैं? 180 कर लेते हैं। तो दोस्तों, 180 36 से डिवाइड हो जाएगा। 36 में 180 और 60 डिवाइड होगा और 45 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा कुल काम कितना हो गया? 180। तो आइए एक दिन की क्षमता निकाल लेते हैं। 36 पंजे 180, ये क्या है? ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता आ गई, ठीक है। और बी प्लस सी की एक दिन क्षमता कितना होगा? कितना? 60 या 180। और ए प्लस सी की एक दिन क्षमता 45 होगा, 180। ये इनकी एक एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ गई। अब देखते हैं, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दो बार काउंट हुआ है, तो क्या करेंगे? दो ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन की क्षमता। ये तीनों का एक दिन क्षमता मान लो, या तीनों का एक दिन काम मान लो, कुछ ही मान सकते हो। आपको तीनों की एक दिन क्षमता देखनी है। आप कितनी है? 3, 5, 8 और 8 और 4 कितना? 12 है। तीनों व्यक्तियों की काम करने की क्षमता कितनी है? 12 है। अब क्या ये प्रत्येक व्यक्ति दो बार काउंट हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी की 12/2 या डिवाइड कर दो यहाँ 8 आप 6, कितना आ गया? 6 दिन आ गया। अब दोस्तों पूछा गया सी अकेला उस काम को कितने दिन कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी? 6 है। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल किसे निकालेंगे? सी की निकालेंगे। तो ए प्लस बी कितनी है? 5 है और तीनों की 6 है क्षमता। तो ए प्लस बी की 5 है और तीनों की 6 है, तो सी कितनी होगी हमारी? सी की दोस्तों कितनी होगी? 1 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब ए एक दिन में एक काम कर रहा है और काम कितना हमारा? 180। तो सिंपल सी बात है, अब हमें फॉर्मूला लगाना कौन सा? कार्य बराबर, अभी मैंने आपको बताया, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। मैं ये फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और याद हो जाएगा। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे ना। कार्य कितना हमारा? 180। और क्षमता कितनी है हमारी? क्षमता 1 है और सट्टी हमें निकालना है। तो दोस्तों कितना हो गया हमारा? 180 दिन। जो सी करेगा उस काम को कितने करेगा? 180 दिन में उसको पूरा कर लेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने में
थोड़ा टाइम लग जाता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य से ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए और बी है, अब इसलिए एक बात बोलिए, ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर ले, उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेता है। अब बी नहीं पता बी कितना टाइम ले रहा है, तो बी का टाइम मान लेंगे टी। अब ये 5 दिन जल्दी मतलब कम जल्दी कर लेगा, तो टी माइनस 5। तो यदि दोनों मिलकर वही कार्य करें तो कार्य 11 सही 1/9 दिन में क्या फिनिश हो जाएगा, तो 11 99 और 100 100/9। अब दोस्तों या तो अगर इसे बेसिस करोगे तो लंबा हो जाएगा, तो जब भी ऐसा सवाल बने अधिक हो या कम वाला तो हम ऑप्शन उठाएंगे। अब ऑप्शन हम उठा लेते हैं 15। मान लो ऑप्शन उठाने के बाद हमारा कितना चाहिए, किसका पूछा है बी का, तो ऑप्शन किसको उठाएंगे बी को उठाएंगे और आने चाहिए हमारा 100/9, तो वो ऑप्शन हम ए उठा लेते 15 इसका। अब इसका कितना हो गया हमारा 10, एलसीएम कितना आ गया हमारा 30, 2 और 3 30/5 6 आ रहा है और आना चाहिए कितना हमारा 100/9, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देख लेते हैं अगला हमारा 20, ऑप्शन सी ले लेते हैं, ये 25 हो गया और ये 25 में से 5 गया 20, कुल काम कितना हो गया हमारा, कुल काम हमारा उनका एलसीएम होता है 100। अब ये क्या हो जाएगा, चार बार और ये 5 बार कर लो, कार्य बराबर क्या होगा हमारा, क्षमता गुणा समय। अब निकालना है समय, तो कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना हमारा 100 और क्षमता कितनी दोनों की 9 आ गया दोस्तों, कितना हमारा इससे 100/9 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी इसका राइट आंसर। अगर आप बेसिस करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी और आपको फैक्टर करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो कभी भी एग्जाम में सवाल आ रहा है कम और अधिक वाला या तुलना वाला, तो ऑप्शन से करेंगे उसे जल्दी हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। ये ग्रह एक किसी कार्य को 3/4 12 दिन में करता है, एक कार्य का 3/4 12 दिन में करता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, एक कार्य का 3/4 12 दिन में करता है, तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। मतलब किसी कार्य का 3/4 12 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो आइए कैसे करेंगे, जब भी आपको ये सवाल मिले, जब भी आपको फ्रैक्शन मिल जाए इसी वाली, तो करना है इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे इसके जस्ट इसके अपोजिट से गुणा कर देंगे दोनों साइड। 3/4 इसका उल्टा कितना होगा 4/3 बराबर 12 और 4/3 काट दीजिए, कितना आ गया एक कार्य, कितना आ गया एक और 3 × 12 कितना 4 × 16 एक कार्य वह कितने दिन में करेगा 16 दिन में। ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर। दोस्तों जब भी हम फ्रैक्शन ख़त्म करनी हो वर्क एन टाइम में, तो जस्ट उसका अपोजिट से गुणा कर देंगे और दोनों साइड करना दोस्तों, कि अनुपात में दोनों साइड गुणा भाग करने पर कोई भी अनुपात में अंतर नहीं पड़ता, ये आपको पहले ही ऑलरेडी पता होगा। तो आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अनुपात वाला, उसमें हमें रेशियो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ए बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर, उतने ही समय टाइम हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है 14/19 में कर सकते हैं, ए बी सी उस कार्य को ए तथा बी सी के कार्य करने का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात फाइंड करवा रहा है। तो देख लेते हैं अनुपात फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का कुल कार्य कितना है, कुल न एक दिन कार्य कितना हमारा 19 है। अब देखो यहाँ पर बी प्लस सी सॉरी ए प्लस बी
कितना हमारा ए प्लस बी 11 है, ए प्लस बी 11 है, तो सी कितना होगा हमारा, अब सी निकालना, सी कितना होगा दोस्तों हमारा, तीनों का 19 है और ए प्लस बी का 11 है, तो सी का आसानी से निकाल सकते हैं, 11 में से 19 घटा लो, 11 में शून्य कैसे कितना 8, सी का कितना हो गया 8। अब ऐसे निकालना किसका हमें, ए का, अब देखना हमें बी प्लस सी, इधर रखा हमारा बी प्लस सी कितना हमारा 14 है और कार्य कुल कितना हमारा 19 है, बी प्लस सी का 14 है और अब ए का निकालना है, तो 14 में से 19 में से 14 कितना बचा हमारा, ए का निकालेंगे, कितना बचा हमारा 5, ए का 5 आ गया। अब दोस्तों ए का 5 है और सी का 8 है, तो हम बी का निकाल सकते हैं, 8 5 13, अब इन दोनों का 13 हो गया और कुल कार्य है कितना 9, मतलब एक दिन कार्य कितना 9 और इनका एक दिन कार्य कितना हो गया 8 5 13, तो बी के निकालते हैं 8 5 13, 13 में से 19 घटाओ कितना बचा हमारा, 19 में से 13 घटाओ कितना बचा हमारा 6, कितना आ गया बी का हमारा, बी का 6। अब दोस्तों सभी का अनुपात निकल चुका है, लिख देंगे अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का हमारा 5 अनुपात और बी का 6 है और सी का 8 है, देख लेते हैं ये अनुपात है 5 6 8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आशा करता हूँ अनुपात वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नीचे हमारा क्या, ये कुल एक कुल वर्ग या फिर कुल एक दिन का काम कह सकते हैं हम, या फिर क्षमता भी बोल सकते हैं इसे। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, बहुत लंबा क्वेश्चन है, पर क्या हम मात्र 2 या 3 सेकंड में उसे आसानी से बीट कर सकते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, मतलब ए और बी को काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन आधे लगेंगे और बी को वही काम करने में 16 दिन आधे लगेंगे, वे दोनों मिलकर काम को करें तो काम पूरा कितने दिन में हो सकता है। जब भी दोनों अधिक हों या दोनों कम हों तो हमारा ट्रिक क्या होगा। वैसे तो ये अगर बेसिक्स करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, बेसिक्स बता देंगे, पर बेसिक्स हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी और हमारा मकसद ये नहीं है कि वीडियो लंबी करना। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, जब भी दोनों कम हों या अधिक हों, या एक कम हो या एक अधिक हो, तो हमारा ट्रिक क्या होगा, रूल लेंगे और जितना अधिक और जितना कम बोले लिख देंगे रूल। अब दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 कितना हो गया वर्गमूल 2 और 16 का कितना हो गया 4 और 4 2 8, दोनों ए और बी 8 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो बाकी में तभी लाइक करें, अन्यथा वीडियो को लाइक ना करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ए द्वारा 5 दिन। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, देख लेते हैं पहले, ए प्लस बी 12 दिन में और बी प्लस सी 16 दिन में, ए ये कितना होगा हमारा, ए 5 दिन ले रहा है और बी ले रहा है हमारा 7 दिन और सी ले रहा है हमारा 13 दिन। अब यहाँ देखो कुल काम कितना हो गया हमारा 24 48 हो गया। एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ी संख्या कौन सी हमारी 16, तो 16 का टेबल पढ़ते ले आएंगे, 16 दिन 32 नहीं कटेगा, 16 3 48 से 12 और 18 से दोनों सही क्या हमारा 48 डिवाइड हो जाएगा, तो 12 4 48 और 16 3 48। अब ये क्या आ गया हमारा, एक दिन की क्षमता आ गई। अब देखो इसने बोला है ए प्लस बी ने 5 दिन कार्य किया, ए तो बंद हो गया, 5 दिन ये चला होगा, 5 दिन ये चला होगा, पर ये क्या 7 दिन चला यहाँ पर और ये 5 दिन बाद क्या बैठ गया, तो ये बी जो है ए के साथ चला होगा, ए प्लस बी दोनों 5 दिन चले होंगे, तो ये क्या इस तोड़ 5 5 प्लस 2 कर लो, क्योंकि ये 2 दिन क्या एक्स्ट्रा चला है और ये बाद में करेगा, क्योंकि 5 दिन तो बी के साथ चला होगा ना वो। अब देख लेते हैं दोनों 5 दिन एक साथ चले हैं और एक दिन की क्षमता कितनी, 4 है,
तो ए प्लस बी का पाँच दिन काम, पाँच गुणा चार, इन्होंने 20 काम कर लिए, करिएगा कितना 20 काम कर लिए। अब देखते हैं बी प्लस सी, अब बी जो क्या है केवल मात्र दो दिन चलाओ, उसके बाद ये भी बंद हो गए हो, क्योंकि ये कार्य इसकी अवधि कितनी है सात है, और दो दिन क्या चला होगा जो दो दिन बी चलाए इसके साथ में सी भी चलाए, तो दो प्लस क्या कर लें 11, क्योंकि ये 11 दिन एक्स्ट्रा लेगा वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब दो, अब बी प्लस सी का दो दिन काम, दो गुणा एक दिन की क्षमता हमारी तीन है, तो तीन दूनी छः। अब इतने कुल कार्य का 20 और 6 26, कुल कार्य का 26 भाग कंप्लीट कर लिया, और बाकी बचा काम कौन करेगा, अब सी करेगा, क्योंकि सी 11 दिन चला लास्ट में। तो देख लेते हैं शेष कार्य, शेष कार्य लिखेंगे 48 माइनस 26 कितना हो गया हमारा, 48 में 26 गए तो 22, शेष कार्य 22 बचा, और सी, सी 11 दिन कर रहा है तो सी के द्वारा सी की क्षमता लिखेंगे। दोस्तों हिंदी लिख रहा हूँ, हिंदी लिखने का ये मतलब नहीं है कि मैं क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूँ, समझाने लिख रहा हूँ आपको अच्छी से समझ में आ जाए। कार्य 22 है और टाइम ले रहा 11 है, तो क्षमता कितनी आएगी दो दिन, बी प्लस सी, सॉरी सी के द्वारा एक दिन क्षमता दो है जी दोस्तों, सॉरी क्षमता आई क्षमता, अब देखो सी की क्षमता दो है और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है तीन है, बी की दो सी कितनी होगी फिर हमारी, सी की एक हो जाएगी। अब सी की एक दिन की क्षमता कितनी है एक है, अब इसने पूछा है क्या, सॉरी ये किसकी, सी की क्षमता दो है तो बी की क्षमता कितनी होगी हमारी यहाँ पर, बी उस काम को कितने दिन कर सकता है, तीनों की दोनों की क्षमता कितनी है तीन है, और बी की क्षमता कितनी होगी हमारी एक, क्योंकि तीन दोनों क्षमता कितनी तीन है एक, बी एक दिन में एक काम कर रहा, कार्य कितना हमारा 48 है, तो 48 कार्य कितने करेगा 48 दिन में, कितना 48 दिन में, ए इसका राइट आंसर दोस्तों, कितना ए दोस्तों, इसको समझाने में टाइम लगा है क्योंकि सवाल थोड़ा वो हमारा क्या इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी थी, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ आप समझ गए होगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग का मतलब क्या होता है गुणा 1/4 भाग 10 दिन में, और बी 1/3 भाग कितने दिन में 20 दिन में। अब हमें ये फ्रैक्शन वाला वर्क हमें ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे हम इसके जस्ट इसके अपोजिट से दोनों साइड क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 4/1 और 4/1, 3/1 और 3/1 काट लीजिए, कट गया ये पूरा। ए बराबर 40 दिन और बी बराबर कितना हो गया हमारा 60 दिन, ए और बी का दिन आ गया हमारे। अब कुल वर्क निकाल लो 40 और 60, इसका एलसीएम हो सकता होगा 120, कर लो 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। ए प्लस बी, ए की क्षमता कितनी तीन है और बी की क्षमता कितनी है दो है। अब इसने बोला सवाल में ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, हिंदी नहीं लिखूँगा डाट सवाल पे ही आता हूँ। क्षमता कितनी है, हमारा फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखें, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, कार्य कितना हमारा 120 और निकालना क्या है हमें टाइम निकालना, और क्षमता कितनी भाई दोनों की 3 और 2 5 कर लो कितने आ जाएगा, ये काट लो 5 2 10 और 1 बचा 5 4 20 कितना ए प्लस बी 24 5 120 24 दिन लेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोस्तों देखते हैं, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए कर रहा है कितने में? 12 दिन में। अब जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, अब ए ने जो कार्य किया कितने दिन तक? 3 दिन तक। जी दिन है दोस्तों, मतलब उसके जो टाइम पीरियड था कितना था? 12। और ए ने क्या किया? 3 दिन कार्य किया। अब ए का शेष कार्य कितना हो गया? शेष कार्य कितना हो गया? 9 दिन का। 9 दिन और करता तो कार्य के बाद उसका पूरा हो जाता। अब क्या हुआ सवाल में? तो बी के द्वारा बी को शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब क्या आ गया? बी भी आ गया। ये क्या हमारा शेष कार्य? किसका? ये ए का। ये ए करता 9 दिन। अब क्या हुआ? बी भी शामिल हो गया। तो भाई जो बचे हुए कार्य, वो कार्य तो क्या? 9 दिन कार्य है। और इसमें ए प्लस ए था ही, और बी और शामिल हो गया। तदनुसार वे तीनों 3 दिन तक कार्य पूरे कर लेते हैं। किन दिन में? 3 दिन में कार्य पूरा कर लेते, क्योंकि दोनों कार्य क्या हैं? बराबर। इसलिए हमने दोनों क्या समूह को टाइम को हम दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि बचा हुआ कार्य क्या सेम तो ही है। तब भी भाई ये कर रही करता, अब भाई कार्य ये बी के साथ करेगा, तो क्या दोनों कार्य क्या हैं? इक्वल हैं। अब देख लेते हैं, तदनुसार यदि वे दोनों वही कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम क्षमता निकाल लेंगे इसकी, ए और बी की। कर दो 9A बराबर ए प्लस बी। गुणाभाग जब आप करोगे, इतनी गुणाभाग ना करोगे, 3 × 3 = 9, 3A बराबर ए प्लस बी। कर लो ए बटे ए प्लस बी, 1/3, क्योंकि गुणा करेंगे तो 3 × 3 और ये ए प्लस बी। ए की क्षमता 1 है और तीनों दोनों कितनी है? 3 है। ए की 1 है, तीनों की सॉरी दोनों की 3 है। ए की कितनी? ए बराबर 1, तो बी बराबर कितनी हमारी? बी बराबर 2, क्योंकि दोनों की 3 है। अब दोनों की क्षमता निकली आई। अब कार्य निकालना है दोस्तों, कार्य क्या निकालते हैं? यहाँ निकालें कार्य। चलो कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। अब देखो ए यहाँ, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर ए जो कार्य कर रहा है 12 दिन कर रहा है। ए का 12 दिन कार्य है, टाइम समय कितना है? 12 है, और क्षमता कितनी है? 1। जब क्षमता को हम समय गुणा कर देंगे तो कार्य निकलेगा, तो W बराबर 12 × 1। तो कुल कार्य कितना है हमारा? 12। कुल कार्य भी निकला है हमारा। तो बी अकेला उस कार्य को कितने में कर लेगा? कार्य 12 है और बी की क्षमता कितनी है? 2। सिंपल सी बात, निकाल दो 12/2, कितना? 6 दिन। बी इसको 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। कोई दिक्कत ना, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक काम को 3 दिन में करते हैं। किसमें? 3 दिन। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए प्लस बी ने जो कार्य किया कितने दिन किया? 2 दिन किया। अब दोस्तों ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य रह गया, 1 दिन कार्य रह गया। अब क्या हुआ आगे देख लेते हैं। यदि काम को पूरा करने में 2 दिन लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? अब भी क्या हुआ इसमें कि बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा ना, और इसे भाई इसे 2 दिन लगे, क्या लगे? 2 दिन लगे। अब यहाँ से हम क्षमता लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्य है और ये कार्य क्या समान तो ही है भाई। जो बचा कार्य क्या
ये दोनों करते क्या हुआ, बी चला गया। अब ये बचे हुए कार्य कौन करेगा, ए करेगा, वो भी दो दिन में। तो ये कार्य और ये कार्य बराबर है, तो क्षमता निकाल लो यहाँ से, ए प्लस बी बटे ए, दो बटे ए, क्योंकि त्रिचौकोण करेंगे तो ये वाला ऊपर सीन आ जाएगा हमारा। ए प्लस बी की क्षमता दो है और ए की एक है, ए की एक है और ए प्लस बी की दो है, तो बी कितनी होगी, बी कितनी होगी एक, क्योंकि ए प्लस बी की ए की एक है तो दोनों कितनी है दो है, तो बी कितनी होगी एक। अब ए की क्षमता कितनी है, सॉरी उसकी बी की एक। अब कार्य निकालना है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये वाला सीन देखेंगे क्या हमारा ए प्लस बी तीन दिन है और यहाँ ए प्लस बी कितनी क्षमता है, ये टाइम कितना तीन दिन है और क्षमता कितनी दो। जब दोस्तों हम कार्य निकालते हैं तो क्षमता गुणा इफिशियंसी गुणा टाइम, W बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। इफिशियंसी कितनी है हमारी दो है और टाइम कितना हमारा तीन, तो वर्क कितना हो गया हमारा छः। अब कार्य छः और B की क्षमता एक है, तो B इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा भाई, B एक दिन में एक कार्य कर रहा तो छः कार्य कितने दिन में करेगा, छः दिन में, सिंपल सी बात है, B छः दिन, छः दिन देख लेते हैं इसमें आंसर है, सी इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों देखते हैं एक मजदूर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मजदूर वाला क्या कंसेप्ट है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा मतलब जिसकी ज़्यादा क्षमता होगी वो उसको मजदूर क्या ज़्यादा मिलेगी। तो देखते हैं एक सवाल को और एक ही सवाल से हमारा इसका कॉन्सेप्ट मजदूर वाले का क्लियर हो जाएगा। दो आदमी एक काम को, अब आदमी ए प्लस बी मान लेते हैं, ए प्लस बी 960 रुपये में ठेका लिया हमने उसने, अब क्या हुआ ए और बी 16 और 24, तो ए 16 और बी 24 दिन। अब तीनों व्यक्ति ए प्लस बी प्लस एक तीसरा और आ गया तो टाइम लगा 8। अब क्या यहाँ पर कुल काम कितना होगा हमारा, अब एलसीएम कर लेंगे 16 24 8, बड़ी नंबर कौन सा हमारा 24, तो 24 को रखेंगे यहाँ पे, 24 16 से कटे इसको, इसका दुगना 48, 16 दिया 48, 24 दुनिया 48 और 8 छः 48। अब निकालो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता और पैसों को 960 को बांट दो। तो देखेंगे पहले ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ देखो क्षमता कितनी है, तीनों दो 5, 5 और 6 11, तीनों की क्षमता, सॉरी ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6 और ए और बी की क्षमता कितनी है 5, वो 3 और 2 5, इनकी दोनों की 3 प्लस 2 कितनी 5, इन दोनों की 5 है और तीनों की कितनी है 6, तो सी कितनी होगी एक, सी की एक आ गई। अब सी की तीनों क्षमता आ गई, अब लिख दो ए बी सी अनुपात, ए कितना हमारा 3 है और बी कितना हमारा 2 है और सी कितना 1 है, अब जोड़ लो कितने बैठ रहे हैं 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर यहाँ लिख देते हैं 6 बराबर 960, 16 96 कितना 160, एक का मान कितना 160 है, तो किसका निकालना है देख लीजिए, जिसका हिस्सा निकालना है उसके अनुपात में गुणा कर देंगे। तो सी का तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा, तीसरे आदमी का अनुपात कितना एक और एक का मान कितना 160, तो तीसरे आदमी कितने मिलेंगे सी को कितने मिले 160 रुपये, तो डी इसका सॉरी सी इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू।